हेलो एवरीवन, दिस इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन इन विच वी विल डिस्कस ऑल द इश्यूज एंड इवेंट्स विच हैव नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। टुडे वी विल डिस्कस मेनली थ्री इशूज। द फर्स्ट इशू इज इजराइल्स ब्रूटेलिटी इन गाजा, इंडियाज पिन ड्रॉप साइलेंस। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट वाई इंडिया इज साइलेंस ऑन इजराइल पैलेस्टीन वॉर। द सेकेंड इशू इज इंश्योरिंग अ प्रॉपर सोशल सेफ्टी नेट फॉर द गिग वर्कर्स। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट हु आर गिग वर्कर्स, वॉट इज गिग इकोनॉमी एंड वाई देयर इज अ नीड टू इंश्योर सोशल सेफ्टी नेट फॉर गिग वर्कर्स। एंड द थर्ड इशू इज रिलेटेड टू सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट अ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जज रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। सो लेट्स डिस्कस ऑल द इशूज। What is issue? October 7, 2024 marked 1 year of Israel war on Gaza and its relentless bombing on the Gaza Strip, killing nearly 42,000 people. October 7 को इजराइल का गाजा पर वॉर का 1 year का टाइम हो चुका है और कंटिन्यू अभी भी relentless बॉम्बिंग गाजा स्ट्रिप पर इजराइल कर रहा है, जिसमें अबाउट 42,000 के आसपास पीपल किलिंग हो चुके हैं। The prime victims of the heartless war have been civilians, women and children in Gaza, West Bank and New Lebanon. 16,705 Palestinian children have been killed, the largest in any conflict in 1 year. Israel-Palestine के बीच conflict के prime victims civilians हैं, women हैं, children हैं, और Gaza, West Bank and New Lebanon के अंदर बहुत ज़्यादा civilians, women and children का यहाँ पर killing किया जा रहा है। अबाउट 16,700 पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन अब तक किल हो चुके हैं। ये अभी तक का 1 ईयर के अंदर किलिंग का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। दिस इज मैप ऑफ इजराइल पैलेस्टीन गाजा स्ट्रिप। हाउ वॉर स्टार्टेड बिफोर 1 ईयर, 1 ईयर पहले ये वॉर किस तरह से स्टार्ट हुआ था। द वॉर वॉज स्टार्टेड इन अ रिस्पॉन्स टू हमास हॉरिफिक अटैक ऑन इजराइल दैट किल्ड ओवर 1200 पीपल एंड वेयर मोर देन 200 पीपल वर टेकन हॉस्टेज। सबसे पहले लास्ट ईयर हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, जिसमें 1200 पीपल को किल किया गया था और अबाउट 200 पीपल को यहाँ पर हमास ने हॉस्टेज कर लिया था। इन रिस्पॉन्स इजराइल हैज डन मोर हॉरिफिक अटैक ऑन गाजा। हमास के इस अटैक के अगेंस्ट इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर अटैक किया और ये जो अटैक अभी भी चल रहा है, ये मोस्ट हॉरिफिक अटैक है जो कंटिन्यू चल रहा है। इंडिया साइलेंस ऑन जेनोसाइड इन गाजा। गाजा के अंदर बहुत सारे पीपल का जेनोसाइड हो रहा है, बट इंडिया साइलेंस क्यों है? इंडिया हैज नॉट गिवन एनी रिएक्शन ऑन मास जेनोसाइडल एक्शंस बाय इजराइल ऑन गाजा। इजराइल के द्वारा गाजा के अंदर जिस तरह से मास जेनोसाइडल एक्टिविटीज हो रही हैं, इंडिया ने अभी तक किसी टाइप का कोई रिएक्शन नहीं दिया है। पब्लिक साइलेंस इन इंडिया ओवर द ब्रूटल रिटेलिएशन इन गाजा, फ्लैटरिंग द टेरिटोरी टू रबल एंड डिस्प्लेसिंग द एंटायर पॉपुलेशन सेवरल टाइम्स इज डीपली कंसर्निंग। बिकॉज इंडिया के अंदर बहुत सारे इशूज को लेकर जो कि इंडिया पैलेस्टीन वॉर से रिलेटेड है, पब्लिक साइलेंस बना हुआ है, स्पेशली ब्रूटल रिटेलिएशन इन गाजा, फ्लैटनिंग द टेरिटोरी टू रिबल एंड डिस्प्लेसिंग द एंटायर पॉपुलेशन। ये सारे इशू फलस्तीन के अंदर चल रहे हैं और इंडिया का जो पब्लिक है वो साइलेंस है, जो कि एक डीपली कंसर्निंग सब्जेक्ट है। दिस शुड बी अनएक्सेप्टेबल, स्पेशली इन अ कंट्री विच लीड टू द लार्जेस्ट एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन द वर्ल्ड, स्टूड शोल्डर टू शोल्डर विद स्कोर ऑफ कंट्रीज इन दियर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड वंस वॉज एट द फ्रेंड ऑफ फलस्तीन। इंडिया एक ऐसा कंट्री रहा है जिसने एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में वर्ल्ड लेवल पर एक लार्जेस्ट स्ट्रगल किया है, लार्जेस्ट मूवमेंट शो किया है और इंडिपेंडेंस के लिए अदर कंट्रीज ने भी स्ट्रगल किया है। उन कंट्रीज के साथ भी इंडिया शोल्डर टू शोल्डर मिलाकर चलता रहा है। एक टाइम था जब इंडिया पैलेस्टीन का फ्रेंड हुआ करता था। इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट नॉन अरब कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बट टुडे सीम्स क्लोजर टू इजराइल एंड इट्स बिगेस्ट बेनिफिटर द यूएस। इंडिया पहला नॉन अरब कंट्री था जिसने पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया था, बट टुडे अगर बात की जाए तो इंडिया इजराइल के काफ़ी क्लोज है, जिसका बेनिफिट यूएस को मिल रहा है।
इंडिया हैज विटनेस्ड वेरी फ्यू सस्टेंड प्रोटेस्ट और पब्लिक एक्सप्रेशंस ऑफ डिस्ट्रेस एट व्हाट इज हैपनिंग इन पैलेस्टीन। पैलेस्टीन के अंदर जो भी हो रहा है, इंडिया के अंदर फ्यू सस्टेंड प्रोटेस्ट एंड पब्लिक एक्सप्रेशंस देखे जा रहे हैं। केएल हैज इवन सीन टू बिग रैलीज इन मल्लापुरम एंड कोझिकोड एंड अ फ्यू स्मॉल प्रोटेस्ट इन कोलकाता एंड चेन्नई। देयर हैज हार्डली बीन एनी इन द अदर स्टेट। केरला, कोलकाता एंड चेन्नई के अंदर, पैलेस्टीन के अंदर जो भी हो रहा है, इसराइल के द्वारा जेनोसाइड किए जा रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ रैलीज की जा रही हैं केरला और कोलकाता के अंदर। इंडियन गवर्नमेंट हैज कर्ब्ड प्रोटेस्ट एंड इन मैनी केसेस बैंड देम। कुछ स्टेट के अंदर इंडिया ने पैलेस्टीन के अगेंस्ट होने वाले जेनोसाइड के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको कर्ब किया है। देर इज एन एक्टिव अटेम्प्ट टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट व्हाट इज हैपनिंग इन द गाजा। गाजा के अंदर जो भी हो रहा है, इसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है। और ये जो एक्टिवनेस है, ये प्रोटेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए एक्टिवनेस अपनी शो कर रही है। केसेस हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट पीपल फॉर सपोर्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जेनोसाइड इन पैलेस्टीन। पैलेस्टीन के अंदर जो भी जेनोसाइड हो रहा है, इसराइल के द्वारा जो भी जेनोसाइड कराए जा रहे हैं, पैलेस्टीन के सपोर्ट में और इसराइल के अगेंस्ट जो भी इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उन पीपल के अगेंस्ट यहाँ पर कंप्लेंट फाइल की जा रही है। चार्जेज रेंज फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग रैलीज टू डिस्प्लेइंग पैलेस्टीनियन फ्लैग एंड पोस्टिंग प्रो पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर अगर किसी भी टाइप का पैलेस्टीन या इजराइल से रिलेटेड कोई भी कंटेंट शेयर किया जाता है और पैलेस्टीन को डिस्प्ले करते हुए कोई भी रैली के अंदर पैलेस्टीनियन फ्लैग अगर शो किया जाता है तो चार्जेज फ्रेम किए जा सकते हैं। बट वाई इंडिया साइलेंट ऑन दिस जेनोसाइड। अभी जो ये जेनोसाइड पैलेस्टीन के अंदर हो रहे हैं, इंडिया इन जेनोसाइड को लेकर क्यों साइलेंट है? नंबर वन, हिंदुत्व राइट्स, सबॉर्डिनेशन ऑफ पैलेस्टीन इशू एंड सपोर्टिंग द जूनिस्ट इन इजराइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द लैक ऑफ कंसर्न। सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी, इंडियन पब्लिक साइलेंट है, सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया के हिंदुत्व राइटिस्ट ने पैलेस्टीन इशू को सबॉर्डिनेट किया है एंड इसराइल के जूनिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर टू, इंडिया हैज मूव्ड फ्रॉम बैकिंग द पैलेस्टीनिस्ट टू अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर इसराइल। इंडिया जहां पहले पैलेस्टीन को सपोर्ट किया करता था, बट इंडिया ने अब इसको बैकिंग यानी समर्थन देना बंद कर दिया और इसराइल के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट दिया जा रहा है। दिस शिफ्ट हैज इन्फ्लुएंस्ड हाउ मोस्ट इंडियंस व्यू द क्राइसिस इन गाजा। यही वजह है कि इंडिया के अंदर ज़्यादातर पीपल देख रहे हैं कि जिस तरह से गाजा के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं, उसको ज़्यादातर पर्सन यहाँ पर फेवर नहीं कर रहे हैं और उन पीपल का जो व्यू है, इंडियन पीपल का, वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। इन द रेडिकली चेंज जियो पोलिटिकल एटमोसफेयर, द वायलेंस इन पैलेस्टीन डज नॉट सेम टू इवोक द सेम इमोशंस एज इन द पास्ट। पैलेस्टीन के प्रति जिस तरह से पास्ट में इंडिया के इमोशंस रेज होते थे, करंटली रेडिकल पॉलिटिकल एटमोसफेयर में वो इमोशंस अब शो नहीं हो रहे हैं इंडिया की तरफ से। नंबर थ्री, द रजिस्टर ऑफ हिंदुत्व नेशनलिज्म डिलिबरेटली सीज पैलेस्टीन एज अ मुस्लिम इशू। हिंदुत्व नेशनलिज्म का जो इंडिया का रजिस्टर है, ये डेलिबरेटली पैलेस्टीन इशू को मुस्लिम इशू के तौर पर ट्रीट कर रहा है, विच मीन्स एनी सपोर्ट फॉर इट कैन बी कंडेम्ड एज अपीजमेंट ऑफ अ कम्युनिटी। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर पैलेस्टीन को किसी भी टाइप का इंडिया सपोर्ट करता है, तो इंडिया के अंदर कुछ कम्युनिटी के लोग गवर्नमेंट को कंडेम कर सकते हैं। हाउ हैज बिन इंडियाज पॉलिसी ओवर द इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर इंडिया की क्या पॉलिसी रही है? इंडियाज हिस्टोरिकल स्टेंस ऑन द इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट लीन टूवर्ड्स पैलेस्टीन ड्राइवन बाई फैक्टर्स सच एज महात्मा गांधी ओपोजिशन टू अ ज्यूज स्टेट इन पैलेस्टीन। इंडिया की इसराइल पैलेस्टीन को लेकर जो पॉलिसी रही है, वो स्पेशली पैलेस्टीन के फेवर में रही है और पैलेस्टीन के फेवर में रहने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं, जिनमें से एक फैक्टर महात्मा गांधी का जूस स्टेट इस्टेब्लिश करने से रिलेटेड इशू पर ओपोजिशन था। इट मीन्स महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि जूस स्टेट पैलेस्टीन के अंदर इस्टेब्लिश किया जाए। व्हेन द पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन प्लान वॉज पुट टू वोट एट द यूएन, इंडिया वोटेड अगेंस्ट अलॉन्ग विद द अरब कंट्रीज। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब पैलेस्टीन
पार्टीशन के लिए वोटिंग हुआ उस टाइम पर इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया, और कहीं ना कहीं इंडिया ने अरब कंट्रीज का जो कंसर्न था उसका साथ दिया, क्योंकि अरब कंट्रीज भी नहीं चाहते थे कि जिस स्टेट पैलेस्तीन के अंदर बनना चाहिए। इंडिया ऑल्सो ओपोज इसराइल एडमिशन टू यूएन। इंडिया ने इसराइल का यूनाइटेड नेशंस में एडमिशन को भी ओपोज किया। नाउ शिफ्ट इन इंडियाज पॉलिसी चेंज, बट अब इंडिया की पॉलिसी पॉलिसी चेंज हो चुकी है। इंडिया का इंक्लिनेशन अब करंट में पैलेस्तीन को छोड़कर इसराइल की तरफ है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इसराइल इन 1992, इंडिया एस्टेब्लिश फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इसराइल, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट। डिस्पाइट दिस इंडिया कंटिन्यू टू वॉइस सपोर्ट फॉर द पैलेस्तीन इशू। 1992 में इंडिया ने इसराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए। यहाँ से इंडिया और इसराइल के जो रिलेशंस हैं उनमें एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आता है। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी इंडिया पैलेस्टीन से रिलेटेड इश्यूज को हमेशा सपोर्ट करता रहा, लेकिन ये 1992 के बाद बहुत ज़्यादा दिनों तो नहीं चला। इट वॉज ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर दैट पीएम नरसिम्हा राव टुक द बोल्ड स्टेप ऑफ एस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक टाइज विद इसराइल इरिस्पेक्टिव ऑफ पोटेंशियल फॉलोआउट विद द अरब कंट्रीज। 1992 में पहली बार नरसिम्हा राव, जिस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को इस्टेब्लिश करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोल्ड स्टेप लिए। उस टाइम पर उन्होंने अरब नेशंस का क्या पोटेंशियल फॉल आउट होगा इसको ध्यान नहीं दिया और इसराइल के साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया। बैलेंसिंग नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया के डिप्लोमेटिक डिसीजंस आर गाइडेड बाय नेशनल इंटरेस्ट विच नेसेसिटेटिंग अ बैलेंस बिटवीन मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद इसराइल, सपोर्टिंग पैलेस्टीन एंड डेवलपिंग टाइज विद अरब वर्ल्ड। इंडिया के डिप्लोमेटिक डिसीजंस जो होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के द्वारा गाइड किए जाते हैं। अब इसराइल पलस्तीन का जो इशू है, इंडिया की पूरी कोशिश रही है कि इंडिया इसराइल के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को भी मेंटेन करके रखे, पलस्तीन का भी सपोर्ट करता रहे एंड अरब वर्ल्ड के साथ भी डेवलपिंग टाइज को मेंटेन करके रखे। बट करंट में इसराइल और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं रादर देन इंडिया और पलस्तीन। इंडिया स्टाइज विद इसराइल, इसराइल प्रोवाइडेड इंडिया विद मिलिट्री हेल्प ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इसराइल हैज बीन डीपनिंग एवर सिंस एंड इसराइल प्रोवाइडेड इंडिया विद मिलिट्री हेल्प ड्यूरिंग द कारगिल वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1999। 99 में इंडिया का पाकिस्तान के साथ जिस टाइम पर वॉर हुआ था, कारगिल वॉर, इस वॉर के टाइम पर इंडिया को इसराइल ने मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड की थी। बट मैसिव वायलेंस दैट इसराइल हैज इन्फ्लिक्टेड ऑन पैलेस्टीन इज शॉकिंग। बट करंट में जिस तरह से पैलेस्टीन के अंदर इसराइल के थ्रू मैसिव वायलेंस हो रहे हैं, ये काफ़ी शॉकिंग है। इफ़ यू आर नॉट आउटरेज बाय इसराइल्स लैक ऑफ ह्यूमैनिटी, इट्स इलीगल ऑक्यूपेशन एंड एनेक्जेशन एंड एथनिक क्लिनसिंग इन पैलेस्टीन, इवन एच वी वॉच इट बींग लाइव स्ट्रीम ऑन टीवी एंड ऑन सोशल मीडिया, देन वी आर ऑल्सो कॉम्प्लिसिड इन इट। इसराइल ने जिस तरह से लैक ऑफ ह्यूमैनिटी दिखाया है, इलीगल ऑक्यूपेशन एंड एनेक्जेशन किया है पैलेस्तीन के अंदर एथनिक क्लिनसिंग जिस तरह से इसराइल ने किया है, अगर इन सब की वजह से हमारे अंदर एक आउटरेज पैदा नहीं होता है, इवन अगर हम इन सभी इंसिडेंट को सोशल मीडिया या टीवी पर लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम भी इस जेनोसाइड में कॉम्प्लिसिट हैं। इट सीम्स एज मोरल आर्किटेक्चर ऑफ लिबरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स हैज सीज टू एग्जिस्ट। ऐसा लग रहा है कि लिबरलिज्म एंड ह्यूमैनिटी का जो आर्किटेक्चर है वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो रहा है। इन 2015 पीवाईक्यू वाज आल्ड इन 2015, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरियन सी। साउथ वेस्ट एशिया का कौन सा कंट्री मेडिटेरियन सी के साथ ओपन नहीं है? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। द आंसर इज बी, जॉर्डन इज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरियन सी। वी कैन सी जॉर्डन ऑन दिस मैप, हियर वी कैन सी दैट जॉर्डन इज नॉट कनेक्टेड विद मेडिटेरियन सी। दिस इज मेंस रिलेटेड क्वेश्चन आस्किंग इन विच वॉज आर्ड इन 2019 एंड 2018। टू लिटिल केयर टू मच पॉलिटिक्स लिव यूनेस्को फाइटिंग फॉर लाइफ, डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ यूएस विड्रोवल एंड इट्स एक्विजिशन ऑफ द कल्चरल बॉडी एज बिंग एंटी इजराइल बियाज। ये क्वेश्चन 2019 में
पूछा गया था 2018 में, एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियाज रिलेशन विद इजराइल हैव ऑफ लेट एक्वायर्ड डेप्थ एंड डाइवर्सिटी व्हिच कैन नॉट बी रोल्ड बैक डिस्कस। ये दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट हु आर गिग वर्कर्स, व्हाट इज गिग इकोनॉमी एंड व्हाई देयर इज अ नीड टू सोशल सेफ्टी नेट टू गिग वर्कर्स। व्हाट इज इशू? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज ड्राफ्टिंग अ नेशनल लॉ टू इनकॉर्पोरेट गिग वर्कर्स इनटू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफरिंग बेनिफिट्स सच एज हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट सेविंग्स। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट एक नेशनल लॉ ड्राफ्ट कर रही है स्पेशली गिग वर्कर्स के लिए, सो दैट गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी स्कीम सच एज हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट सेविंग बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए इन्हें सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जा सके। हु आर गिग वर्कर्स एंड व्हाट इज गिग इकोनॉमी? हु आर गिग वर्कर्स? एज पर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, अ गिग वर्कर इज अ पर्सन हु परफॉर्म वर्क और पार्टिसिपेट इन अ गिग वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न फ्रॉम सच एक्टिविटीज आउटसाइड और ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अकॉर्डिंग एक गिग वर्कर कोई भी एक ऐसा पर्सन जो गिग वर्क अरेंजमेंट में वर्क करता है और उसको पर डे एक्टिविटी के बेस पर अर्निंग होती है। गिग वर्क इज द नेम गिवन टू जॉब डन थ्रू ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक ऊबर, अमेजोन फ्लेक्स, एयरटेकर एंड लाइफ्ट। गिग वर्कर्स जो नेम दिया गया है ये ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो जॉब्स होती हैं सच दैट ऊबर अगर कोई बुक करता है तो कुछ टाइम के बाद वो घर पर पहुंच जाती है, या फिर ऑनलाइन मोड के थ्रू जितने भी डिलीवरी होती हैं चाहे वो फूड डिलीवरी से रिलेटेड एक्ट है या कोई भी टास्क है जिसमें डिलीवरी करना होता है, तो ये जितने भी वर्कर्स हैं ये गिग वर्कर्स के अंदर काउंट होते हैं। इसके अंदर अमेजोन डिलीवर करने वाले और फ्लिपकार्ट आइटम्स डिलीवर करने वाले जितने भी पर्सन्स हैं वो सब गिग वर्कर्स के अंदर आ जाते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड पैकेज डिलीवरी ड्राइवर, फूड डिलीवरी ड्राइवर, ग्रोसरी डिलीवरी ड्राइवर। वॉट इज गिग इकोनॉमी? अ लेबर मार्केट कैरेक्टराइज बाय द प्रिवेलेंस ऑफ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट और फ्रीलेंस वर्क इज नोन एज गिग इकोनॉमी। कोई भी ऐसा मार्केट जहाँ पर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रीलेंस वर्क किया जाता है इस तरह की मार्केट को गिग इकोनॉमी कहा जाता है। इन 2022 नीति आयोग रिपोर्ट एस्टिमेट दैट इंडिया विल हैव 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स बाय 2930। नीति आयोग के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एस्टिमेट किया गया है कि 2029-30 तक इंडिया के अंदर अबाउट 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स होंगे। इट मीन्स 2.5 करोड़ के आसपास गिग वर्कर्स इंडिया के अंदर होंगे। वट विल बी द प्रोविजन इन न्यू लॉ रिलेटेड टू गिग वर्कर्स? न्यू लॉ जो बनाने की अभी कोशिश की जा रही है उस लॉ के अंदर गिग वर्कर्स से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन किए जा सकते हैं? नंबर वन, द गवर्नमेंट इज रिवाइजिंग द डेफिनेशन ऑफ गिग एंड माइग्रेंट वर्कर टू मेक दैम मोर इंक्लूसिव। गिग एंड माइग्रेंट वर्कर्स को मोर इंक्लूसिव बनाने के लिए इनकी डेफिनेशंस को रिवाइज किया जा सकता है। नंबर टू, द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन विल एस्टेब्लिश अ वेलफेयर बोर्ड मॉडल क्रिएटिंग अ फंड फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ गिग वर्कर्स। दूसरा प्रोविजन इस लेजिस्लेशन के अंदर ये किया जा सकता है कि इसके अंडर वेलफेयर बोर्ड मॉडल एस्टेब्लिश किया जा सकता है। साथ में गिग वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी के लिए फंड क्रिएट किया जा सकता है। नंबर थ्री, इट मैंडेट्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल गिग वर्कर्स एंड रिक्वायर एग्रीगेटर टू गिव अ 14 डेज नोटिस विद वैलिड रीजन बिफोर टर्मिनेशन वाइल इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन ऑटोमेटेड सिस्टम। थर्ड प्रोविजन लॉ के अंदर ये किया जा सकता है कि जितने भी गिग वर्कर्स होंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा और जो भी गिग वर्कर्स का एग्रीगेटर होगा अगर वो किसी गिग वर्कर को टर्मिनेट करता है तो 14 डेज के अंदर उसको नोटिस देना होगा, उसका रीजन बताना होगा कि गिग वर्कर को किस वजह से टर्मिनेट किया गया है। नंबर फोर, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म विल आल्सो बी इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट गिग वर्कर्स राइट। गिग वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नंबर फाइव, एग्रीगेटर कंपनीज दैट एम्प्लॉय गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स विल बी आर टू टेक द लीड इन रजिस्ट्रिंग दियर वर्कर्स ऑन द पोर्टल। एग्रीगेटर कंपनी जितने भी होंगे जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर को एम्प्लॉय कर रही हैं उनके लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो
पोर्टल पर वर्कर्स को रजिस्टर करें। नंबर सिक्स, वर्कर्स रजिस्टर्ड ऑन द लेबर मिनिस्ट्री ई श्रम पोर्टल आर एलिजिबल फॉर लाइफ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अलोंग विद अदर बेनिफिट्स। लेबर मिनिस्ट्री की ई श्रम पोर्टल पर जो वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं उन वर्कर्स के लिए लाइफ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इंश्योर किया जाएगा और साथ में अदर बेनिफिट्स भी उन्हें प्रोवाइड कराए जाएंगे। व्हाट इज द नीड टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू गिग वर्कर्स? गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी? नंबर वन, इंसिडेंट ऑफ फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन। नंबर टू, इंश्योरिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी। नंबर थ्री, हेल्थ इंश्योरेंस। नंबर फोर, लेवल प्लेइंग फील्ड। नंबर फाइव, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। नंबर वन, इंसिडेंट ऑफ फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन। द इंस्टेंसेस ऑफ ब्लैक लिस्टिंग वर्कर्स और टर्मिनेटिंग देम फ्रॉम वर्क विदाउट हियरिंग आउट दियर साइड हैव इंक्रीज। बिकॉज जितने भी एग्रीगेटर्स हैं जो गिग वर्कर्स को वर्क देते हैं उनका कभी भी ब्लैक लिस्टिंग कर दिया जाता है और उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है विदाउट हियरिंग आउट दियर साइड। इट मीन्स वर्कर की साइड से कुछ भी हियरिंग नहीं किया जाता है और उनका एनी टाइम टर्मिनेट कर दिया जाता है। यही वजह है कि सोशल सिक्योरिटी नेट बहुत ही जरूरी है। नंबर टू, इंश्योरिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी। गिग इकोनॉमिक सेक्टर डिपेंड ऑन डिमांड विच लीड टू जॉब इनसिक्योरिटी एंड इनकम अनसर्टेनिटी। दैट इज वाई प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट सच एज अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी कवरेज एंड रिटायरमेंट सेविंग प्रोग्राम इज इम्पोर्टेंट। इंडिया का गिग इकोनॉमी डिमांड पर डिपेंड करता है। जितने भी गिग वर्कर्स होते हैं जॉब इनसिक्योरिटी होती है, इनकम अनसर्टेनिटी होती है। यही वजह है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन्हें प्रोवाइड कराए जाए। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के अंदर इन्हें एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कराया जाएगा, डिसेबिलिटी कवरेज दिया जाएगा, रिटायरमेंट सेविंग प्रोग्राम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर थ्री, हेल्थ इंश्योरेंस। लैक ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एंड अदर हेल्थ केयर बेनिफिट्स लीव गिग वर्कर्स वल्नरेबल टू अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस। प्रायोरिटाइजिंग देयर हेल्थ एंड वेलबींग विल क्रिएट अ हेल्थ एंड मोर प्रोडक्टिव वर्क प्लेस। गिग वर्कर्स को अभी तक किसी टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता था, हेल्थ केयर बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से गिग वर्कर्स अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंस का शिकार हो जाया करते थे। अगर सोशल सिक्योरिटी नेट के अंदर गिग वर्कर्स को हेल्थ एंड वेलबींग प्रायोरिटीज अगर दिया जाएगा तो इसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट किया जा सकता है। नंबर फोर, लेवल प्लेइंग फील्ड। एग्जेम्पशन फ्रॉम ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन क्रिएट डिस्पेरिटीज वेयर गिग वर्कर्स फेस एक्सप्लॉइटेटिव वर्किंग कंडीशंस एंड इनएडिक्वेट कंपेंसेशन। बिकॉज अभी तक गिग वर्कर्स के साथ एक्सप्लॉइटेशन होता रहा है और इनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा बैड रही हैं। इन्हें इनएडिक्वेट कंपेंसेशन, इट मीन्स कंपेंसेशन भी किसी टाइप का इन्हें एडिक्वेटली नहीं दिया जाता था। सोशल सिक्योरिटी नेट के थ्रू ये सारी इन्हें फैसिलिटीज मिल सकती हैं। किसी इंसिडेंट के टाइम पर इन्हें कंपेंसेशन दिया जा सकता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। विदाउट एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट प्लान गिग वर्कर्स में स्ट्रगल टू सेव एनफ फॉर दियर फ्यूचर लाइक फॉर पोस्ट रिटायरमेंट नीड्स। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है। अगर गिग वर्कर्स के पास रिटायरमेंट प्लान नहीं होगा तो इससे गिग वर्कर्स पोस्ट रिटायरमेंट इट मीन रिटायरमेंट के बाद इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इसके लिए जरूरी है कि इनकी सोशल सिक्योरिटी नेट के अंदर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू गिग वर्कर्स। नंबर वन, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 कंटेन अ सेपरेट सेक्शन ऑन गिग इकोनॉमी विच इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन गिग एम्प्लॉयर्स टू कंट्रीब्यूट टू अ सोशल सिक्योरिटी फंड टू बी हैंडल्ड बाय गवर्नमेंट लीड ऑन बोर्ड। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि गिग इकोनॉमी का एक स्पेशल, गिग इकोनॉमी से रिलेटेड इसके अंदर एक स्पेशल सेक्शन बनाया गया है जिसमें गिग एम्प्लॉयर्स के लिए ये ऑब्लिगेशन कर दिया गया है कि वो सोशल सिक्योरिटी फंड में कंट्रीब्यूट करें और ये जो कंट्रीब्यूशन होगा वो गवर्नमेंट लीड बोर्ड के साथ इसको हैंडल किया जाएगा। नंबर टू, द कोड ऑन वेज 2019 इट प्रोवाइड फॉर यूनिवर्सल मिनिमम वेज एंड फ्लोर वेज अक्रॉस ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूडिंग गिग वर्कर्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए यूनिवर्सल मिनिमम वेज का यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। इसके अंडर गिग वर्कर्स को भी इंक्लूड किया गया है। नंबर थ्री, द राजस्थान असेंबली हैज इनेक्टेड अ लॉ एम्ड एट एक्सटेंडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू गिग वर्कर्स।
राजस्थान के अंदर राजस्थान असेंबली ने गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए एक लॉ मेकिंग किया है। दिस इज प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस विच वॉज अर्ड इन 2012। कंसिडर द फॉलोइंग: होटल्स एंड रेस्टोरेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। द एम्प्लॉयज ऑफ विच ऑफ द अबव कैन हैव द सोशल सिक्योरिटी कवरेज अंडर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस इन स्कीम। इसमें जो ये स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से किस किस को एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंडर सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिला हुआ है? आंसर विल बी डी, यानी सभी को सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिला हुआ है। दिस इज मेन्स क्वेश्चन ऑफ 2016। हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज लीड टू द रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में, फॉर्मल सेक्टर में, ग्लोबलाइजेशन की वजह से किस तरह से रिडक्शन हुआ है एम्प्लॉयमेंट में? इज इंक्रीज इनफॉर्मलाइजेशन डेट्रीमेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री? क्या जिस तरह से इनफॉर्मलाइजेशन इंक्रीज हुआ है इंडिया के अंदर, क्या ये इंडिया की डेवलपमेंटल के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है? करंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वॉचिंग, डाउनलोडिंग एंड स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी एज अ क्राइम। सो लेट्स डिस्कस द इशू। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट व्यूइंग, डाउनलोडिंग, स्टोरिंग, अपलोडिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ ऑनलाइन सेक्सुअल मटेरियल इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन आर ऑल ऑफेंसेस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन पोक्सो एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चाइल्ड से रिलेटेड ऑनलाइन सेक्सुअल मटेरियल का व्यूइंग, डाउनलोडिंग, स्टोरिंग, अपलोडिंग एंड ट्रांसमिशन को पोक्सो एक्ट के अंडर ऑफेंस डिक्लेयर किया है। व्हाट इज द इशू विच रीच टू द सुप्रीम कोर्ट? ये क्या इशू था जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा? एन अलायंस ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फाइल्ड एन अपील बिफोर द टॉप कोर्ट अगेंस्ट मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर क्वेश्चनिंग क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट अ यंग मैन हु वाज सॉट टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर व्यूइंग एंड स्टोरिंग वीडियो क्लिप्स रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्सुअल एक्ट। मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऐसे पर्सन को जिसने चाइल्ड सेक्सुअल एक्ट से रिलेटेड वीडियो क्लिप्स को स्टोर किया था, व्यू किया था, इसके अगेंस्ट एक कंप्लेन फाइल किया जाता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ये कोड मद्रास हाई कोर्ट के अंदर पहुंचता है। मद्रास हाई कोर्ट इसके अगेंस्ट जो चार्जेस फ्रेम किए गए थे उनको नल एंड वॉइड कर देता है। इट मीन्स मद्रास हाई कोर्ट का कहना है कि इसके अगेंस्ट, इट मीन्स पर्सन के अगेंस्ट जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं वो चार्जेज अकॉर्डिंग टू आईडी एक्ट 2000 और पोक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं फ्रेम किए जा सकते। द पुलिस हैड अरेस्टेड हिम आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनसीआरबी दैट द एक्यूज हैड डाउनलोडेड द मटेरियल ऑन हिज मोबाइल फोन। एक्यूज पर्सन ने अपने मोबाइल फोन के अंदर कुछ चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड वीडियो क्लिप्स का डाउनलोड किया था। एनसीआरबी के साथ पुलिस इस पर्सन को अरेस्ट करती है। द पुलिस लेटर फाइल्ड अ चार्जशीट अंडर सेक्शन 67B ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड सेक्शन 15(1) ऑफ पोक्सो एक्ट। पुलिस इस पर्सन के अगेंस्ट बिकॉज इसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड क्लिप्स को व्यू किया था, स्टोरिंग किया था अपने फोन के अंदर, पुलिस ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग चार्जशीट फाइल किया। साथ में पोक्सो एक्ट के सेक्शन 15(1) के अंडर कुछ चार्जशीट फाइल की। ये मैटर कोर्ट के अंदर जाता है, मद्रास हाई कोर्ट के अंदर, बस बट मद्रास हाई कोर्ट इन चार्जेस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है। इसके बाद नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर देता है कि ये जो चार्जेस हैं ये बिल्कुल सही हैं, और इस तरह से अगर कोई भी पर्सन पोर्नोग्राफी व्यू करता है, स्टोरिंग करता है, तो उसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल की जा सकती है। व्हाट इज सेक्शन 67B ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड सेक्शन 15(1) ऑफ पोक्सो? सेक्शन 67B इंट्रोड्यूस इन द आईटी एक्ट 2009 प्रोवाइड फॉर अ जेल टर्म अप टू 5 years फॉर द फर्स्ट ऑफेंस एंड अप टू 10 years फॉर अ सब्सिक्वेंट ऑफेंस दैट इन्वॉल्व पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअल एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आईटी एक्ट 2019 के अंडर सेक्शन 67B के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि कोई भी पर्सन अगर चिल्ड्रन सेक्सुअल एक्ट से रिलेटेड किसी भी टाइप का मटेरियल या वीडियो क्लिप पब्लिश करता है, ट्रांसमिटिंग करता है,
उसके लिए 5 ईयर्स का जेल टर्म हो सकता है। अगर यही एक्ट दोबारा करता है तो ये जेल टर्म 10 ईयर्स तक हो सकता है। इट ऑल्सो अलाउड फॉर अ फाइन ऑफ अप टू रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपीज तक का फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। सेक्शन 15(1) प्रोवाइड फॉर 3 ईयर्स जेल टर्म फॉर दोज स्टोरिंग चाइल्ड एब्यूज मटेरियल फॉर कॉमर्शियल पर्पज। अगर कोई भी पर्सन कॉमर्शियल पर्पज के लिए चाइल्ड एब्यूज मटेरियल को अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर स्टोर करके रखता है तो उसके लिए पोक्सो एक्ट के अंदर सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग 3 ईयर का जेल टर्म यहाँ पर इम्पोज किया जा सकता है। व्हाट डिड द हाई कोर्ट से? द हाई कोर्ट रूल्ड दैट ओनली पोजेशन और स्टोरेज एनी पोर्नोग्राफिक मटेरियल वॉज नॉट एन ऑफेंस अंडर पोक्सो। हाई कोर्ट का कहना था कि किसी भी चाइल्ड एब्यूज पोर्नोग्राफी को पजेशन या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर उसका स्टोरेज पोक्सो एक्ट के अंदर ऑफेंस नहीं है। इट सेड सेक्शन 67 बी ऑफ द आईटी एक्ट ओनली मेड ट्रांसमिशन पब्लिकेशन और क्रिएशन ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन एंड ऑफेंस, बट मेरे वॉचिंग और डाउनलोडिंग ऑफ चाइल्ड अब्यूज मटेरियल इन प्राइवेट डोमेन वॉज नॉट पनिशेबल। मद्रास हाईकोर्ट का कहना था कि आईटी एक्ट के सेक्शन 67(b) के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर क्राइम है इससे रिलेटेड, अगर इस तरह की चाइल्ड अब्यूज या चाइल्ड सेक्सुअल मटेरियल को डिपिक्टिंग किया जाता है, ट्रांसमिशन किया जाता है, पब्लिकेशन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, इस केस में यहाँ पर चार्जेज फ्रेम हो सकते हैं, ये ऑफेंस है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ओनली वॉचिंग और डाउनलोडिंग किसी भी टाइप का चाइल्ड अब्यूज, ये इसके अगेंस्ट किसी भी टाइप का चार्जेज फ्रेम नहीं किया जा सकते किसी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ जिसने प्राइवेट डोमेन में इस तरह के एब्यूजिव मटेरियल को वॉच किया है या डाउनलोड किया है। बट सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा, अब उस डिसीजन के अकॉर्डिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी को वॉचिंग करना, डाउनलोडिंग करना, ये अब एक ऑफेंस माना जाएगा। हेंस इट क्वेश्चन द केस सेइंग दैट नो ऑफेंस हैड बीन कमिटेड आइदर अंडर पोक्सो और इन आईटी एक्ट। हाई कोर्ट ने कहा कि पोक्सो एक्ट या आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग ओनली वॉचिंग या डाउनलोडिंग किसी भी टाइप का ऑफेंस नहीं है। इन अदर वर्ड्स पोजेशन एंड स्टोरेज ऑफ सच मटेरियल वुड नॉट बी अ क्राइम बट ट्रांसमिशन और पब्लिकेशन वुड बी एन ऑफेंस। हाई कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग इस तरह के सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल को ओनली पोजेशन या स्टोरेज करना किसी टाइप का क्राइम नहीं है। हाउ डिड द टॉप कोर्ट डील विद द रूलिंग? हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, टॉप कोर्ट ने इस डिसीजन को किस तरह से डील किया? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द हाई कोर्ट डिसीजन वॉज एरोनियस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मद्रास हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था ये एरोनियस था। इट प्रोसीड टू क्लैरिफाई द स्कोप ऑफ द वेरियस ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 15 ऑफ द पोक्सो विड हैड बीन एमेंडेड इन 2019 टू पेनालाइज वेरियस एक्ट रिलेटिंग टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। 2019 के अंदर पोक्सो एक्ट के सेक्शन 15 के अंदर बहुत सारे यहाँ पर अमेंडमेंट किए गए थे और इन अमेंडमेंट के अंदर कुछ न्यू प्रोविजंस किए गए थे। उन न्यू प्रोविजंस को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को स्टैंड लेना पड़ा और इस अमेंडमेंट के अंदर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर प्रोविजन किए गए थे। इट एक्सप्लेन दैट द अमेंडेड सेक्शन प्रोवाइडेड फॉर 3 डिस्टिंक्ट ऑफेंस रिलेटेड टू सेक्सुअली एक्सप्लोइटेड मटेरियल कंसर्निंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से रिलेटेड सेक्सुअल एब्यूजिव मटेरियल से रिलेटेड इस पोक्सो एक्ट के अंदर 3 डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया था। नंबर 1, सेक्शन 15(1) पेनालाइज द फेलियर टू डिलीट, डिस्ट्रॉय और रिपोर्ट एनी चाइल्ड एब्यूज मटेरियल फाउंड टू बी स्टोर्ड और इन पजेशन ऑफ एनी पर्सन विद एन इंटेंट टू शेयर और ट्रांसमिट इट। कोई भी पर्सन अगर चाइल्ड सेक्सुअल वीडियो क्लिप्स या मटेरियल को किसी अदर पर्सन के लिए शेयर करने का, ट्रांसमिट करने का अगर इंटेंशन रखता है और वो उसको डिलीट नहीं करता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता है, रिपोर्ट नहीं करता है, तो इसके अगेंस्ट सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग चार्जेज फ्रेम किए जा सकते हैं। नंबर 2, सब सेक्शन 2 मेक इट एन ऑफेंस टू ट्रांसमिट, प्रोपोगेट, डिस्प्ले और डिस्ट्रीब्यूट चाइल्ड अब्यूज मटेरियल। चाइल्ड अब्यूज मटेरियल को ट्रांसमिट किया जाता है, प्रोपोगेट किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इसके लिए सब सेक्शन 2 यहाँ पर इम्पोज किया जाएगा। इट मीन्स ये सभी सेक्शन 15 के सब सेक्शन हैं जो यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे। थर्ड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन
चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूजिव मटेरियल या सेक्सुअल कंटेंट को अपने फ़ोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर स्टोरेज करता है या पजेशन करता है कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं। हाउ ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल कैन बी कंट्रोल्ड। ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? फर्स्ट, साइबर क्राइम शुड बी क्लियरली डिफाइंड इन इंडियन लॉ एंड चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोइटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल शुड बी ब्रॉड विद इन साइबर क्राइम एम्बेड एज एन इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइज क्राइम। साइबर क्राइम इंडियन लॉ के अंदर क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, बिकॉज अभी साइबर क्राइम इंडियन लॉज के अंदर क्लियरली डिफाइन नहीं है। साथ में चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोइटेड एंड एब्यूजिव मटेरियल को साइबर क्राइम एम्बिड के अंदर लाना होगा, जिस तरह से इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इसके एम्बिड के अंदर रखा गया है, उसी तरह से चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोइटेटिव एंड एब्यूजिव मटेरियल को साइबर क्राइम एम्बिड के अंदर रखना होगा। इमर्जिंग क्राइम सच एज इंसाइटमेंट थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीन्स एंड द रिजल्टिंग ट्रैफिकिंग फॉर बोथ फोर्स लेबर एंड सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन नीड टू बी क्लियरली डिफाइंड एज इलीगल। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीन्स के थ्रू इंसाइटमेंट अगर किया जाता है, इस तरह के क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के थ्रू चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के लिए इंसाइटमेंट किया जाता है, उसके बाद उन्हें लेबर फोर्स या सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन के लिए ट्रैफिकिंग किया जाता है। अगर इस तरह के इंसिडेंट मिलते हैं तो इन्हें क्लियरली यहाँ पर इलीगल डिक्लेयर करना होगा और स्ट्रेट एक्शन लिया जाना चाहिए। लीगल अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रीट द क्रिएशन ऑफ CSEAM इंक्लूडिंग AI जनरेटेड डीप फेक्स इज एज इक्वेलेंट टू रियल चाइल्ड एब्यूज। चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोइटेटिव एंड एब्यूज मटेरियल का अगर क्रिएशन किया जाता है तो इसके अगेंस्ट इनको ट्रीट करने के लिए लीगल अमेंडमेंट्स करने होंगे। लीगल अमेंडमेंट के अंदर जो सबसे पहला वर्क होगा वो ये होगा कि AI जनरेटेड डीप फेक्स को रियल चाइल्ड एब्यूज के इक्वल काउंट करना होगा। विदाउट स्विफ्ट एक्शन AI ड्रिवन एक्सप्लोइटेशन विल पोज एन इवन ग्रेटर थ्रेट टू चिल्ड्रन। AI ड्रिवन एक्सप्लोइटेशन जो आजकल किए जा रहे हैं, इससे पहले हम न्यूज के अंदर भी देख चुके हैं कि किस तरह से एक एक्ट्रेस का फेस AI ड्रिवन न्यूड गर्ल के साथ कनेक्ट कर दिया गया था, तो इस तरह के जो एक्सप्लोइटेशन है वो भी चिल्ड्रन के लिए एक ग्रेट थ्रेट के रूप में शो हो रहे हैं। सेकंड, अकाउंटेबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर रिपोर्टिंग चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोइटेटिव एंड एब्यूजिव मटेरियल इन रियल टाइम टू लॉ इन्फोर्समेंट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि वो CSEAM का इन रियल टाइम लॉ इन्फोर्समेंट को रिपोर्ट करें। द जजमेंट हैज मैंडेटेड दैट इंटरमीडिएट रिपोर्ट सच एज कंटेंट टू लोकल पुलिस कंटेंट टू लोकल पुलिस एंड अथॉरिटीज। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ये मैंडेट करता है कि जितने भी इंटरमीडिएट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो लोकल पुलिस एंड अथॉरिटीज को इस तरह के कंटेंट जो कि सेक्सुअल एब्यूज से रिलेटेड है उसको रिपोर्ट करें। थर्ड, इस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इंडिया शुड इस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इन इन द फॉर्म ऑफ अ फॉरेंसिक लैब इक्विप्ड विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू रिस्पॉन्ड टू द इंक्रीज इन रिपोर्टिंग ऑफ CSEAM बाय इंटरमीडिएट्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इंडिया के लिए नेसेसरी है कि वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करें जिसमें इंटरमीडिएट्स या सोशल मीडिया कंपनीज के द्वारा जितना भी CSEAM चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन एंड एब्यूजिव मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट आती हैं उन रिपोर्ट से रिलेटेड इंडिया के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें फॉरेंसिक लैब इक्विप्ड है और साथ में कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ इस तरह के रिपोर्टिंग को रिस्पोंड किया जा सके। करंटली इंटरनेशनल एजेंसी सच एज इंटरपोल फ्लैग इंडियन आईपी एड्रेस टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो विच देन पास दिस इंफॉर्मेशन टू स्टेट अथॉरिटीज। करंट में कोई भी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूजिव कंटेंट अगर शेयर किया जाता है तो इसके लिए एक इंटरनेशनल एजेंसी इंटरपोल एक्टिव हो जाती है। ये NCRB को नेशनल इंडियन आईपी एड्रेस फ्लैग करती है, उसके बाद NCRB इसे स्टेट अथॉरिटीज को
पास करता है, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। अ डोमेस्टिक लैब वुड रिड्यूस रिस्पॉन्स टाइम बाय अलाउिंग इंडिया टू फ्लैग सस्पिशियस एक्टिविटी लोकल एंड शेयर रियल टाइम अलर्ट विद इन इंडिया एंड फॉरन अथॉरिटीज। इंडिया के अंदर अगर इस तरह के डोमेस्टिक लैब होगी तो इससे फायदा होगा कि अभी जो रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा है उसको रिड्यूस किया जा सकता है और स्टेट एक्शन इमिडिएट लिए जा सकते हैं। फॉर नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स डिटेल ऑफ इंडिविजुअल प्रोसिक्यूटेड फॉर सर्चिंग फॉर डाउनलोडिंग CSEAM शुड बी एंटर्ड इन टू द नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स एंड बेयर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर्स इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन। नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स जितने भी सर्चिंग और डाउनलोडिंग करने वाले पर्सन हैं, स्पेशली चाइल्ड सेक्सुअल मेटेरियल को जो सर्चिंग कर रहे हैं, डाउनलोडिंग कर रहे हैं, नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स के अंदर इनका नेम एंटर कर देना चाहिए और चाइल्ड इन्वॉल्विंग सेक्टर्स में इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बेयर कर देना चाहिए। व्हाट इज पोक्सो एक्ट? पोक्सो इज एन एक्ट विच एम्स टू एड्रेस ऑफ ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स जितने भी चिल्ड्रन हैं उनके अगेंस्ट अगर सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन सेक्सुअल अब्यूज होता है, इससे रिलेटेड ऑफेंस को एड्रेस करने के लिए इंडिया के अंदर एक एक्ट है जिसको पोक्सो एक्ट कहा जाता है। इट वॉज इनेक्टेड इन 2012 में इसको इनेक्ट किया गया था। व्हाट आर स्पेशल प्रोविजंस अंडर पोक्सो एक्ट? पोक्सो एक्ट के अंदर क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं? नंबर वन, इट्स जेंडर न्यूट्रल नेचर। द एक्ट रिकॉग्नाइज दैट बॉयज एंड गर्ल्स कैन बी विक्टिम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज एंड सच अब्यूज इज अ क्राइम रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर ऑफ द विक्टिम। ये जो एक्ट है ये जेंडर न्यूट्रल है बिकॉज ये एक्ट मानता है कि सेक्सुअल अब्यूज बॉयज एंड गर्ल्स किसी के साथ भी हो सकता है। नंबर टू, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम्स आइडेंटिटी। एज पर सेक्शन 23 ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012 द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड विक्टिम मस्ट बी कीप्ट कॉन्फिडेंशियल। पोक्सो एक्ट 2012 सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग चाइल्ड विक्टिम्स की आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ एनी चाइल्ड अब्यूज केसेस सेक्शन 19 टू 20 कंपेल इंडिविजुअल हु हैव नॉलेज और रीजनेबल सस्पिशन ऑफ सच ऑफेंसेस टू रिपोर्ट देम टू कंसर्न अथॉरिटी। पोक्सो एक्ट के सेक्शन 19 और 20 के अंदर ये कंपेल किया गया है इंडिविजुअल के लिए कि वो किसी चाइल्ड के साथ अगर सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है तो कंसर्न अथॉरिटीज को इससे रिलेटेड नॉलेज एंड उसको रिपोर्ट करे। चैलेंजेस इन बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012। 2012 पोक्सो एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन बेटर इम्प्लीमेंटेशन के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर वन, लैक ऑफ सपोर्ट टू एग्रेड पर्सन। नंबर टू, इनसफिशियंट पोक्सो कोड। नंबर थ्री, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स शॉर्टेज। लैक ऑफ सपोर्ट टू एग्रेड पर्सन, अ क्रिटिकल लैक आइडेंटिफाइड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012 इज द एबसेंस ऑफ सपोर्ट पर्सन फॉर विक्टिम। विक्टिम्स के लिए पर्सन का सपोर्ट बहुत कम है, इस सपोर्ट को बढ़ाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट इन 96% ऑफ पोक्सो केसेस विक्टिम्स वर नॉट प्रोवाइडेड विद द नेसेसरी सपोर्ट थ्रू आउट द लीगल प्रोसेस। विक्टिम्स का जो थ्रू आउट द लीगल प्रोसेस का जो टाइम होता है किसी टाइप की स्पेशली 96% पोक्सो केसेस में ऐसा होता है कि विक्टिम्स का लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट पर्सन मे बी एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड राइट और चाइल्ड प्रोटेक्शन। सपोर्ट पर्सन की अगर बात की जाए वो पर्सन भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। जिस तरह से हमने इस इशू के अंदर स्टार्टिंग में देखा कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने एक पर्सन के अगेंस्ट जो कि चाइल्ड एब्यूज पोर्नोग्राफी वॉचिंग कर रहा था, डाउनलोडिंग कर रहा था, उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल किया जाता और केस मद्रास हाई कोर्ट तक पहुंचा। इनसफिशियंट पोक्सो कोड्स, नॉट ऑल डिस्ट्रिक्ट हैव पोक्सो कोड। एज ऑफ 2022 ओनली 408 पोक्सो कोड वर इस्टेब्लिश अक्रॉस 28 स्टेट एज पर ऑफ द फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम। इंडिया के अंदर एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोक्सो कोड नहीं है। 2020 तक 22 तक इंडिया के अंदर 28 स्टेट में 408 पोक्सो कोड थी और ये जो कोड बनाए गए थे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम के अंडर इनको इस्टेब्लिश किया गया था। नंबर थ्री, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स शॉर्टेज। देर इज अ लैक ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स स्पेशली ट्रेंड टू हैंडल केसेस ऑफ पोक्सो। पोक्सो केसेस को हैंडल करने के लिए सफिशियंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का लैक है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया? इंडिया में चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं इसका क्या स्टेटस है?
According to the US-based National Center for Missing and Exploited Children, India currently accounts for the maximum number of online child sexual abuse imagery in the world, followed by Thailand. US-based National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC, के according, India पूरे world में online child sexual abuse के लिए top number पर है. इसके बाद Thailand आता है. Delhi top the list for the maximum child porn uploads, followed by Maharashtra, Gujarat, UP and West Bengal. India के अंदर सबसे ज़्यादा child porn upload की जाती है Delhi के अंदर. उसके बाद Maharashtra second number पर आता है, गुजरात थर्ड नंबर पर आता है, यूपी फोर्थ एंड वेस्ट बंगाल फिफ्थ नंबर पर आता है.